श्रावस्ती जिले में ईद उल फित्र के त्योहार के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक डीसी दुबे द्वारा कस्बा भिनगा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। दरअसल अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे द्वारा कस्बा नासिरगंज बदला ग्रंट आदि का भ्रमण भी किया गया है। साथ ही साथ पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया है। वहीं भ्रमण के दौरान ड्यूटी रत कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे द्वारा ईदगाह मस्जिद के इमाम मुतवल्ली से वार्तालाप कर कुशलता भी जानी गई है। उसके बाद सभी को कोरोना वायरस से सुरक्षा एवं बचाव हेतु सामाजिक दूरी का पालन करने व मास्क ग्लव्स का प्रयोग करने की हिदायत दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार की भीड़ भाड़ एकत्रित ना होने दें और शासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए घर में रहकर ईद मनाने व इबादत करने तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है। वहीं लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए श्रावस्ती पुलिस लगातार रोडों पे उतरकर रूट मार्च कर लोगों को जागरूक भी कर रही है। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे द्वारा लगातार जनपद के विभिन्न क्षेत्र व कस्बा तथा नगर व ग्राम पंचायतों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार लोगों से वार्तालाप कर सुरक्षा व्यवस्था के प्रति जानकारी लिया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन है। आप लोग अपने घर पर रहकर त्योहार मनाएं और इबादत करें, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं आज ईद उल फित्र के त्यौहार को लेकर के पुलिस बल के साथ कई कस्बा व नगर का अपर पुलिस अधीक्षक ने दौरा किया है तथा ईदगाह व मस्जिद के इमामों से मुलाकात कर उनके हालात के बारे में जानकारी भी ली गई है।